आज सुबह जम्मू के सिदा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी और एक जानकारी भी आपको हमने पहुंचाई थी। अब पूरा वाकया हुआ क्या वो तमाम जानकारी आपको देंगे, पर फिलहाल आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में 4 आतंकियों को मार गिराया गया था। और उसके बाद अगर बात करें कि जो ट्रक का ड्राइवर था वो लगातार फरार है, और जिसके बाद जो है अलर्ट जारी कर दिए गए जम्मू के तमाम SHO की बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेज की बात करें, तो हर किसी को बता दिया गया है कि इस पर जो है अलर्ट जारी करके लगातार जो है छानबीन की जाए, क्योंकि ड्राइवर की बात करें तो वो अभी भी लगातार जो है फरार। फिलहाल तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगी उस वक्त के इलाके की। उसके बाद पूरे जम्मू की बात करें तो हर जगह पर जो है अब चाक चौबसी जो है वो बढ़ा दी गई है। तमाम अलग अलग जगहों पर नाकेबंदी जो है वो साफ तौर पर की गई है। लगातार सर्च अभियान जो है वो ड्राइवर को पकड़ पूरे जम्मू सूबे में जो है इस वक्त चलाया जा रहा है। वहीं आपको बताएं कि जिस तरह आज सुबह ही ये वाकया जब पेश आया था तो जम्मू के सिद्रा इलाके में ये वाकया जो है पेश आया था, और हालांकि इसमें गनीमत ये रही कि कोई भी सुरक्षा बलों को कोई भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा था। और दरअसल जिस ट्रक में आतंकी सवार होकर आए थे उसमें मुठभेड़ के दौरान जो है आग लग गई थी, और आग बुझाने के बाद ट्रक की तलाशी के दौरान ही जो है उसमें 4 आतंकियों के शव जो है वो साफ तौर पर बरामद जो है वो किए गए थे। बात करें तो ये मुठभेड़ तब शुरू हुई थी जब पुलिस ने सिद्धा नाके पर एक ट्रक को रोका था, और इसी बीच चालक मौके से फरार जो है वो हो गया था, और ट्रक में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायर खोल दिया था। नाके पर तैनात जो सुरक्षा बलों ने भी तुरंत उस वक्त मोर्चा संभालते हुए जो है जवाबी कार्यवाही में जो है फायरिंग की थी, और मुठभेड़ में ट्रक में छिपे आतंकियों के ऊपर जो है उन्हें आग जो है बताई गई कि ट्रक को इसी दौरान जो है आग लग गई, और उसके बाद जो है 4 आतंकी तलाशी शुरू की आतंकियों गई। का शव ट्रक में से बरामद हुआ है के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया जिसका जवाब दिया गया। सर ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है, उसकी तलाश के लिए सभी SHO को सभी सिक्योरिटी फोर्सेज को मैसेज दे दिया गया। सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं उसको अप्रिहेंड करने के लिए। मजीद जानकारी तो आपने साफ तौर पर सुना कि क्या कुछ उनका कहना था। जिस तरह से साफ तौर पर बताया गया है कि जो ट्रक ड्राइवर वहां से फरार हो गया है, फिलहाल उसको लेकर तमाम पुलिस स्टेशन के SHO की बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेस को बात करें, तो उन्हें जो है ऑलरेडी मैसेज दे दिया गया है, और सर्च ऑपरेशन जो है लगातार सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है ताकि वो जो फरार ट्रक ड्राइवर है उसे जो है हट जाए। पर हालांकि यहाँ पर एक बड़ी वारदात को अंजाम जो है वो दिया जा रहा था, पर समय रहते इस पर जो है काबू पा लिया गया और 4 आतंकियों को मार गिराया गया। और उसके बाद पूरे जम्मू की बात करें तो इस वक्त काफी ज्यादा पूरे सुबह जम्मू में देखने को मिलेगी, जहां पर अलग अलग इलाकों की बात करें तो काफी ज्यादा नाके जो जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेज जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो वो तैनात किए गए हैं, नाके है वो की जा रही है। और उसके बाद ही जो है क्योंकि हालांकि उस वक्त अगर बात करें तो मूवमेंट को भी जो है काफी वक्त के लिए रोक दिया गया था, किसी को भी उस रोड के ऊपर जाने की अनुमति जो है नहीं दी जा रही थी। पर फिलहाल जम्मू के तमाम पुलिस स्टेशन की बात करें, थानों की बात करें, तो उन्हें अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जो ट्रक ड्राइवर फरार है उसकी तलाश के लिए शहर के सभी थानों को जो है अलर्ट कर दिया गया है, ताकि उस फरार ड्राइवर की जो है कोई पहचान हो पाए और जो है पकड़ा जा सके, ताकि तमाम जो पूरी इस मामले की बात करें तो तमाम चीजें जो हैं और भी निकलकर सामने जो हैं वो आ सके। फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।